हेलो गाइस, मैं हसन अख्तर एक बार फिर। गाइस, आज की ये वीडियो होने वाली है सभी फास्ट बॉलर्स के लिए। इस वीडियो में गाइस, मैं आपको दो से तीन ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको एक अच्छा एक परफेक्ट फास्ट बॉलर बना सकती है। अभी गाइस, आप मेरे पास देख रहे हैं तीन बॉलर हैं। तीन बॉलर मेरे पास क्यों हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, और इन तीन बॉलों का राज क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि अगर आपको एक फास्ट बॉलर बनना है तो कैसे गाइस आपका माइंड प्लान होना चाहिए, कैसे आपके नेट सेशन होने चाहिए ताकि गाइस आप मैच बॉलर बन सके। गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, बट वो मैच में अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं और हमेशा कन्फ्यूज़न रहते हैं अपनी बॉलिंग को लेके। तो गाइस, आपका जो कन्फ्यूज़न है आज मैं आपको दूर कर दूंगा, और गाइस इस वीडियो के बाद आपको बहुत हेल्प होगी। और अगर आप अभी तक के विकेट नहीं ले पा रहे और अच्छा बॉल नहीं डाल पा रहे तो इस वीडियो के बाद गाइस आपको विकेट ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप अच्छा बॉल भी डालना स्टार्ट कर देंगे। दो से तीन चीज़ें गाइस वो क्या है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, प्रवीण कुमार का आपने नाम सुना होगा, जो कि बहुत बड़े बॉलर है प्रवीण कुमार भाई। उन्होंने गाइस मेरी बहुत हेल्प की थी रणजी ट्रॉफी के कैंप में। पहले मैं आपको बता दूं गाइस वो क्या हेल्प थी कि गाइस जब मैं रणजी ट्रॉफी का कैंप कर रहा था कानपुर के ग्रीन पार्क में, तो वहाँ पे गाइस मैं नया बॉल डाल रहा था, नए बॉल से बॉलिंग कर रहा था। तो गाइस क्या था कि मुझे बहुत टाइम हो गया था बॉल डालते हुए और मैं सिर्फ आउटस्विंग बॉल डाल रहा था। तो वहाँ पे प्रवीण कुमार भाई जो है मेरे पास आए और थोड़ी सी उन्होंने मुझसे बातें की कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम लगातार जब से मैं देख रहा हूँ सिर्फ आउटस्विंग बॉल डाल रहे हो, या तो बैट्समैन बीट हो रहा है या बैट पे लड़ जा रही है, इसका रीज़न क्या है, क्या वजह है। तो गाइस मुझे पता नहीं था कि मैं अभी क्या प्लान कर रखा है, मेरे माइंड में कोई प्लान नहीं था। तो फिर मुझे उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया कि अगर आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो आपको पहले प्लान करने होंगे, और आपको अगर एक अच्छे आउट स्विंगर है तो आपको अंदर भी मारना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर 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 फेंकते रहेंगे और अंदर लेके नहीं आएंगे तो गाइस बैट्समैन जो है वो रेडी हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि आपका बॉल सिर्फ आउट स्विंग होने वाला है, तो जो उसके प्लान से वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बैट्समैन के। तो इसीलिए आपके प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद गाइस मुझे प्रवीण कुमार भाई ने बताया कि अगर अब आप बॉल डालेंगे तो ये जो तीन बॉलें हैं इन बॉलों का राज क्या है, उन्होंने मुझे बताया था कि आपको कैसे बॉल डालना चाहिए ताकि गाइस आप एक मैच बॉलर बन सके। बहुत सारे भाई लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल बॉल डालते हैं बट वो मैच बॉलर नहीं बन सकते हैं। वीडियो बहुत अहम होगा, वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखना, और जिन्होंने गाइस अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे ताकि और वीडियोज़ आप तक के पहुँचती रहे। और गाइस यूट्यूब पे अभी नया चैनल है, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो गाइस उससे कॉन्फिडेंस आता है। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ एक परफेक्ट बॉलर बनने के लिए सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है। जो गाइस तीन बॉल हैं अभी मेरे पास आप देख रहे हैं, कोई भी यंगस्टर होगा वो सबसे पहले आके गाइस नया बॉल उठाएगा और नया बॉल डालना ही स्टार्ट कर देगा, क्योंकि गाइस जो यंगस्टर होते हैं वो सबसे आसान रास्ता अपनाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि नया बॉल डालें, स्विंग करें और निकल के चले जाए। बट अगर आपको एक परफेक्ट बॉलर बनना है, अभी ये दो बॉल आप देख रहे हैं मेरे पास, इनमें से आपको एक बॉल चूज़ करना होगा, क्योंकि गाइस ये अभी ऐसे बॉल है इन दोनों बॉल में साइन नहीं है किधर भी किस तरफ भी, अभी आप दोनों तरफ देख रहे हैं इनमें साइन नहीं बना हुआ है, तो थोड़ा डिफिकल्ट इस बॉल को डालना। बट अगर इस बॉल पे आप वर्क करके इस बॉल को आप रिवर्स स्विंग कराना स्टार्ट कर देंगे तो तब जाके गाइस आपको जो आपकी कैलिबर है बॉलिंग का वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रीज़न गाइस क्या होगा, जब मैच में बॉल ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर पता लगता है कि आपकी अहमियत क्या है, क्योंकि गाइस अभी आप देखते हैं इंडिया टीम में जब बहुत ज़्यादा मैच फंस जाता है तो बुमराह को याद किया जाता है या मोहित भाई को याद किया जाता है। उसका रीज़न गाइस क्या है कि वो इतने अच्छे बॉलर बन चुके हैं टीम इंडिया के लिए कि उनको इसलिए याद किया जाता है। अगर आपको भी अच्छा बॉलर बनना है तो गाइस हमेशा आपको टफ वाला जो डिफिकल्ट रास्ता होगा वही अपनाना है। अगर आप रोज आएंगे नेट पे नए बॉल डालेंगे और चले जाएंगे तो जो आपका बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो कभी भी हाई नहीं होगा, और जहाँ से आपने करियर स्टार्ट किया आप वहीं पर रह जाएंगे मैच में भी और नेट पर भी। आपको कोशिश करनी है, आपको दोनों बॉल डालना आना चाहिए, कितनी भी टफ कंडीशन क्यों ना हो अगर आपके हाथ में बॉल हो तो फिर आपके कप्तान को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब मैं बॉल डालने आया हूँ, विकेट से हेल्प हो या ना हो मैं अब इस बैट्समैन को आउट कर सकता हूँ जो बैट्समैन अभी सेट बैटिंग कर रहा है। अगर गाइस आपको एक परफेक्ट बॉलर बनना है, ये दो तीन चीज़ें ऐसी है जो आपको करनी होगी, और नेट पे गाइस जब भी आप बॉल डालेंगे तो आपको पूरा प्लान करना है कि जब मैं बॉल डालने आया हूँ तो जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है अब उसको बताना है कि मेरी जो फील्डिंग है वो कैसे लगी हुई है। अगर आप नेट पे प्लान करके बॉल नहीं डालेंगे और फिर आप जाके मैच में प्लान करने की कोशिश करेंगे तो गाइस आपको वहाँ जाके बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस सबसे मेन चीज़ होती है डर। आपको सबसे पहले डर निकाल देना है अपने दिल से अगर आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर बनना है। जब गाइस आपके मन में आपके दिल में किसी बैट्समैन का डर नहीं होगा तो आप किसी भी बैट्समैन को आसानी से आउट कर सकते हैं, बट अगर आपके माइंड में डर रहेगा तो कभी भी गाइस आप अपना 100% एफर्ट डाल बॉल नहीं डाल सकते हैं। तो गाइस ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर इनको आप नेट में और मैच में करेंगे तो आप किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।